टोपी के ऊपर ये वाला बटन क्यों लगाया जाता है? स्क्रू ड्राइवर के पीछे वाला हिस्सा ऐसा क्यों होता है? एक पायलट की सैलरी कितनी होती है? और ये जो कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है, ये हमेशा लकड़ी का ही क्यों बनाया जाता है? देखो दोस्तों, मैं ऐसा बंदा हूँ जो आपको एक भी बोरिंग फैक्ट नहीं बताएगा। आपको इस वीडियो में एक से बढ़कर एक फैक्ट जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए B3 फाडू के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है हमारा हिंदू धर्म इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि इसकी पूजा सिर्फ इंडिया में नहीं की जाती, बल्कि इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी की जाती है। जापान जो कि इतना ज्यादा डेवलप कंट्री है, फिर भी वो सनातन धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। जापान में गणेश भगवान और भगवान शिव जी की भी पूजा बहुत धूमधाम से की जाती है। आपको ये वाली बात नहीं पता होगी कि गणेश जी की पूजा इंडिया में तो बहुत अच्छे से की जाती है, लेकिन साथ के साथ दूसरे देशों में भी बहुत अच्छे से की जाती है। इंडिया में गणेश जी की मूर्ति बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ी मूर्ति इंडिया में नहीं है बल्कि थाईलैंड में स्थित है। फैक्ट नंबर टू, जब भी आप मार्केट में कोई सी नई कैप को खरीदने जाते हैं, तो आपने ये बात तो नोटिस की होगी कि कैप के ऊपर ये वाला बटन लगाया जाता है। तो कैप के ऊपर ये वाले बटन लगाने का क्या रीजन हो सकता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। कैप को जब भी फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, तो उसको सिलाई मशीन और धागों की मदद से बनाया जाता है। अब टोपी को बनाते वक्त बहुत सारे धागों का यूज किया जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि सारे धागों की मैचिंग सिर्फ एक जगह पे करनी होती है। जब सारे धागों की मैचिंग एक जगह पे कर दी जाती है, तो वो वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा बेकार दिखने लग जाता है। तो वो वाला हिस्सा बेकार ना दिखाई दे और टोपी का लुक खराब ना हो, तो उस चीज को छुपाने के लिए टोपी के ऊपर इस वाले बटन का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, आपने कभी ना कभी स्क्रू ड्राइवर को खरीदते हुए या फिर यूज करते हुए ये तो जरूर सोचा होगा कि स्क्रू ड्राइवर के पीछे ये वाला यूनिक डिजाइन क्यों बनाया जाता है। तो शायद आपने कई बार इग्नोर कर दिया होगा कि स्क्रू ड्राइवर के ये जो पीछे वाला डिजाइन होता है, ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए और अट्रैक्टिव दिखने के लिए बनाया जाता होगा। लेकिन ये रीजन नहीं है, इसका एक स्पेशल रीजन है। कई बार जब प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियंस स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, तो कई बार उनके हाथों में पसीना आने लग जाता है, जिसके कारण से उनके हाथों की ग्रिप खराब होने लग जाती है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि हाथों से अच्छी ग्रिप बनी रहे, इसलिए ये वाला डिजाइन दिया जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि कई बार आप अपने हाथों से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाते, तो आप दूसरे टूल की मदद से भी स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सके, इसलिए उसके पीछे ऐसा डिजाइन बनाया जाता है। फैक्ट नंबर फोर, बचपन में या फिर कभी भी आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि पायलट्स कितना कमाते हैं और इनकी सैलरी कितनी होती होगी। देखो यार, पहली बात तो पायलट्स को सैलरी नहीं मिलती, इनको मिलता है साल का एनुअल पैकेज। तो चलो आप भी मेरे साथ काउंट करो कि इनको एनुअल पैकेज कितना मिलता होगा और एनुअल के हिसाब से मंथली इनकी कितनी सैलरी बनती होगी। ये जो सबसे लो लेवल के पायलट्स होते हैं, उनका साल का पैकेज होता है 70 से 80 लाख रुपए, और अगर इस अमाउंट को 12 महीनों से डिवाइड किया जाए, तो लगभग 6 लाख रुपए इनकी पर मंथ की सैलरी बन जाती है। तो यही मोटा मोटी देखा जाए तो एक एवरेज पायलट की भी सैलरी 6 से लेकर 7 लाख रुपए पर मंथ जरूर होती है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ चुके हैं, तो मुझे कन्फर्म पता है कि आपको इस वीडियो में मजा तो जरूर आ रहा होगा। तो देखो दोस्तों, सब्सक्राइब करने में ज्यादा समय नहीं लगता, मात्र 1 सेकंड का समय लगता है, तो यार अब भी करो सब्सक्राइब। फैक्ट नंबर 5, आपके घर में कपड़े टांगने वाले हैंगर तो जरूर होंगे, और मेरे ख्याल से ज्यादातर हैंगर आपके घर में भी लकड़ी के ही होंगे। तो आपने क्या कभी ये सोचा है कि ये जो कपड़े टांगने वाले हैंगर होते हैं, ज्यादातर इनको लकड़ी का ही क्यों बनाया जाता है? हाँ, लोहे और प्लास्टिक का भी बनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये लकड़ी के ही होते हैं, लेकिन क्यों? तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये जो हैंगर को बनाया जाता है, इनको मामूली लकड़ियों से नहीं बनाया जाता, स्पेशल प्रकार की लकड़ियों का यूज किया जाता है इन हैंगर्स को बनाने के लिए। ये जो लकड़ियाँ होती है, इनकी एक स्पेशल बात ये होती है कि इनमें कीड़े बहुत कम लगते हैं, ये लकड़ियाँ जल्दी सड़ती नहीं है, और इनकी एक और स्पेशलिटी होती है कि इन लकड़ियों में से स्पेशल फ्रेग्रेंस अपने आप ही निकलती है, जिससे कि कपड़ों में से स्मेल नहीं आती, और ये आपके कपड़ों को बहुत ही ज्यादा फ्रेश रखते हैं। लेकिन ये जो जितनी भी स्पेशलिटी होती है, लोहे और प्लास्टिक में नहीं होती। तो यही मेन रीजन है कि लोग ज्यादातर लोहे और प्लास्टिक के हैंगर्स को ज्यादा पसंद नहीं करते, बल्कि लकड़ियों के हैंगर्स को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और मेरे ख्याल से आपको ये सारे फैक्ट्स भी जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, तो आपको बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आपने मेरी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दिया।